अरे घबराइए नहीं, मैं इसके अंदर नहीं बैठा हूँ और ये अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, पूरा रिव्यू आपको मिलेगा। मैं सोचा यार पहले आपको दिखा दें कि जब आप यू नो, क्योंकि जब आप इसको ख़रीदेंगे तो नई चीज़ को अनबॉक्स करने में वो जो मज़ा आता है, कोई सी भी नई चीज़ हो यार, मतलब उसका रैपर खोलना वगैरह जो है, तो ज़रूरी है ये, है ना। पर ये नहीं है कि बस निकाल के आपको यू नो ऐसे दिखा के बता दूंगा। निकालने के बाद रो यू नो थोड़ा सा आपको एक फर्स्ट इम्प्रेशन दूंगा और उसके बाद कम से कम हफ्ता 10 दिन यूज़ करूंगा, उसके बाद आपको पूरा रिव्यू दूंगा इसी वीडियो के अंदर। भाई ऐसी बेहतरीन वाली टेपिंग लगाते हैं ये। हाँ जी, ये अलग से है इसमें, अभी मैं देखूंगा कि कहाँ लगेगा ये। तो ये फोम थिकनेस 10 mm, नेम ऑफ कमोडिटी हेड फोम SBH40 स्पंज। ये देखिए ऐसा दिखता है और ये निकालते हैं इसको, पहले मेन चीज़ तो निकाल लें। जी साहब, ये है हेलमेट। ऑलराइट, ये देखिए, मैं तो देख लूं। अच्छा आपको मैं ईमानदारी की एक बात बताऊं, जब यू नो स्टीलबर्ड के यू नो पीआर ने मुझे इसके फ़ोटोज़ भेजे ना और बोला कि ये वाला भेज रहे हैं, तो फ़ोटोज़ में देख के ना मेरा, मैंने ऑलमोस्ट मजाक मजाक में बोला, मैंने कहा यार ये तो ऐसा लग रहा है कि यू नो कि गुब्बारे वाला जो हेलमेट है, गुब्बारे वाले से हेलमेट लिया है मतलब। तो मैंने कहा यार ये मत भेजो यार, ये नहीं रिव्यू करूँगा मैं, ठीक है। मैंने कहा चलो एक काम करो, भेज दो चलो फिर, ठीक है। तो और मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि देखिए मेरे मुझे ना मुझे बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स, मतलब मेरे जितने भी पर्सनल हेलमेट्स हैं वो आपको या तो सॉलिड वाइट मिलेगा या मैट ब्लैक मिलेगा, ठीक है। तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो साहब जो हैं उनको ग्राफिक्स बहुत पसंद हैं, तो उनके जितने आराई शोई वगैरह जो हैं वो सब बिल्कुल ग्राफिक्स वाले हैं। तो इस हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड, पर इस मामले में हमारी बिल्कुल जो है यू नो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो डिफरेंट पसंद है। मेरा बस चले तो मैं यू नो चाहे मैं 10 हेलमेट रखूँ वो वाइट और ब्लैक ही रखूँ, और पर थैंकफुली फॉर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स, मेरी मैं माइनॉरिटी में हूँ, मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर लोगों को फ्लैशी ग्राफिक्स वगैरह पसंद आते हैं। तो खैर एक काम करते हैं, इसको जो है मैं अनबॉक्सिंग वीडियो ही रहने देता हूँ, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है ये मैंने क्योंकि यू नो ऑन द गो चेंज करा है, इसलिए अब ऊपर टाइटल भी अनबॉक्सिंग वाला है। तो देखिए यार एक्चुअली हेलमेट अच्छा लग रहा है, मतलब ये इस पर MRP लिखा है 2,099 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, और वैल्यू फॉर मनी वगैरह की बात मेन रिव्यू में करेंगे, पर फर्स्ट इम्प्रेशन गुब्बारे वाला नहीं लग रहा है। आपको भी अगर फ़ोटो में देख के या वीडियो में लग रहा हो
लेट मी अश्योर यू, ऐसा नहीं है. ईमानदारी वाली बात, अ लिटिल टू लाउड फॉर माई टेस्ट, बट देन आई एम श्योर जो यू नो 18-19 साल की उम्र में या अर्ली 20s में भी जो अपनी पहली बाइक ले रहे हैं या उनको गिफ्ट कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, उनको ये हेलमेट बहुत पसंद आने वाला है. और एक्चुअली अच्छा हेलमेट यार, अंदर से भी स्पार्टन नहीं है, अंदर से भी अच्छा लग रहा है. ऑल राइट आई होप आप अंदर से देख पाए. तो खैर ओके, ईमानदारी वाली बात, अपॉन फर्स्ट इम्प्रेशंस दिस फॉर अ यू नो 2000 रुपी हेलमेट, दिस आई विल बी ऑनेस्ट मैं अब एक्चुअली वो तो यूज़ करने में पता लगेगा कि जो ये जितना अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा टिकता है या नहीं. पर ईमानदारी वाली बात, फिलहाल द फिट एंड फिनिश एंड द मटेरियल क्वालिटी, इट ऑनेस्टली एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस. तो अब क्या करते हैं, हफ्ता 10 दिन इसको यूज़ करता हूँ और आपको इसका रिव्यू देता हूँ, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स. और सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा, कमेंट छोड़ दीजिएगा, और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए.